गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओ ये वाले लगाओ, हाँ ये लाइट निकालो ना। गुड इवनिंग सभी लोगों को। अभी लाइव आए हैं, बोल दीजिए क्या पूछ रहा है, कब से लाइव आइएगा। स्टूडेंट है, सब लोग जुड़िए, सब लोग लाइव आइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। सब लोग लाइक करिए, लाइक भी करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लाइक करिए, लाइक करिए सब लोग। अच्छा सिंटू से मेरा चल रहा है कि सिमोन से, देखना कौन से मुझे चल रहा है। देखो तो फूल आता है ना, नेट का प्रॉब्लम है ना, सिमटू से चल रहा हूँ। नेट कौन सा सिम से चल रहा है। सब लोग जुड़िए, सब लोग जुड़िए और शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए आप लोग, शेयर करिए, शेयर करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैट्रिक्स में 3 दिन में एकदम गर्दा गर्दा करके रख देना होगा आप लोग को। आज बताया जाएगा आप लोग को, मैट्रिक्स चल रहा है ना, आज बताएंगे आप लोग को बाबू मैट्रिक्स के प्रकार। लेकिन पहले मैट्रिक्स जब अब के बारे में 5 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ गुना, इतना बताने के बाद तब मैट्रिक्स का बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कल आज मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ गुना बता देंगे, तो कल आपको बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद फिर अगले दिन मैट्रिक्स का एडजॉइंट इनवर्स, ये सारा चीज, मतलब 3 क्लास हम लोग या 4 क्लास भी जा सकता है। देखिए कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए, है ना, कोशिश ना कर सकते हैं। मैट्रिक्स का हिंदी अवयव होता है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए, चूंकि अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स का अवयव, सबसे पहले मैट्रिक्स का अवयव के बारे में जानना जरूरी है। मैट्रिक्स के अवयव, जैसे ए मैट्रिक्स, कोई मान लो कि मैट्रिक्स ए है, तो हम कल बता रहे थे कि उसका अवयव जो होता है आईजे के रूप में होता है, और उसका जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का ना एम गुना एन होता है। कहा कि किसी मैट्रिक्स का में रो और कॉलम की संख्या यदि नहीं मालूम है,
तो रो की संख्या एम मान लेंगे, कॉलम की संख्या एन मान लेंगे, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा एम गुना एन। तो मैट्रिक्स के अभिजा के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं, देखिएगा सब लोग। मैट्रिक्स ए बराबर, ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स को तो ए आई जे के रूप में सारा अवयव होगा। तो पहला रो यदि मान लो कि हम लिख रहे हैं बाबू, पहला रो में ए वन ए वन ए वन पहला रो लिख रहे हैं, और जो अवयव ये मैट्रिक्स का होगा मान लो कि ए के रूप में होगा। ए वन ए वन ए वन कर दिए कि पहला रो में ना है, ये सब आई का मान है और वाई रो की स्थान बदलाता है। ये सब पहला रो में है, ए वन ए वन ए वन आई का मान एक है। अच्छा दूसरा रो में लिखेंगे ए टू ए टू ए टू, क्योंकि आई का मान टू है तो आई रो की स्थान बदलाता है कि दूसरा रो में। तीसरा रो के लिखेंगे, तीसरा रो के लिखेंगे ए थ्री ए थ्री ए थ्री, तीसरा रो के लिए ए थ्री ए थ्री ए थ्री। एक मिनट आवाज वाला प्रॉब्लम हो, एक मिनट रुक जाइए मशीन, एक मिनट आप लोग आवाज प्रॉब्लम होगा ना, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आवाज वाला प्रॉब्लम होगा। धनंजय जी अलग दिया था आपको, दिए हमको दीदा दिए उनको हम दिए ना। सब लोग जुड़िए, सब लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए सारे लोग। ये सब बोले थे ना कि सेट करके पढ़ लेंगे, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, आते हैं कर दीजिए नोट्स। तो मैट्रिक्स के अवयव के बारे में बता रहे थे, पहला रो बाबू ए वन ए वन ए वन होगा, दूसरा रो है तो ए टू ए टू ए टू होगा, तीसरा रो है तो ए थ्री ए थ्री ए थ्री होगा, क्योंकि आई का मान है जो सबसे पहले स्थान पे ही सवाई का मान है, वाई का मान आपका रो के स्थान बतलाता है, तो ये सब रो के स्थान है, देखते रहिए कॉमेंट। ए थ्री ए थ्री ए थ्री पहला ही कॉलम है, पहला कॉलम है तो वन 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 दीजिए, जे का मान ही सब है वन वन वन, कॉलम के स्थान बतला रहा है। दूसरा कॉलम है टू 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 दीजिए, सिर्फ कॉलम के स्थान बता रहा है कि दूसरा कॉलम में है। तीसरा कॉलम है तो थ्री 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 लिखिए। तो इससे आपको क्या मिला, इससे ही मिला कि पहला जो अवयव मैट्रिक्स का होता है वो 11 का अवयव होता है, दूसरा ये 12 का अवयव होता है, तीसरा जो होता है ये 13 का अवयव होता है। फिर दूसरा कॉलम में जो पहला अवयव ए 21 का, दूसरा ए 22 का, तीसरा ए 23 का, तीसरा रो में जो पहला अवयव होता है 31 का, दूसरा अवयव 32 का, तीसरा अवयव 33 का, तीसरा रो में। ये चीज आगे भी बढ़ सकता है, 11 12 13 14 15 19 तक जा सकता है। दूसरा रो 21 से 22 से 23 से 24 से 25 से 26 से 27 से 28 से 29 तक, तीसरा रो 31 से 32 से 33 से 34 से 39 तक, चौथा रो जो स्टार्ट होगा 41 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये सब क्या है भाई, ये बाबू ये 11 का मतलब क्या होता है? ये 11 जो है इससे यह स्पष्ट होता है कि 11 वाला जो अभी अब है पहला रो और पहला कॉलम में, चूंकि आई का मान एक है जे का मान एक है तो पहला रो में है पहला कॉलम में। ए 12 का मतलब पहला रो में है और दूसरा कॉलम का अवयव है, ए 13 पहला रो और तीसरा कॉलम का अवयव है, ए 21 दूसरा रो और पहला कॉलम में अवयव है, ए 22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अवयव है, ए 23 ये 23 में आई का मान 2 और जे के मान 3, तो दूसरा रो आई के मान 2 है तो आई रो की स्थान बतलाता है, 33 दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है, 31
31 का मतलब कि आई का मान 3, तो तीसरा रो में है, पहला कॉलम में ये 32, आई के मान 3 और जे के मान 2, तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, ये 33 तीसरा रो में का अवयव है और तीसरा कॉलम का अवयव है। अब हम आपको ये तीन रो तीन कॉलम वाला मैट्रिक्स यही होता है। जैसे अब हम आपसे कोई पूछते हैं, कोई हम मैट्रिक्स का अवयव लेते हैं -1 0 7 8 7 6 5 4 3, अब हम पूछेंगे ये 11 का अवयव का मान इसमें कितना है, तो बोलिएगा -1, ये 12 का, ये 13 का, ये 21 का, ये 22 का, ये 23 का, 31 का, ये 32 का, ये 33 का, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो ये सब पढ़ा हुआ आप लोग को है, तो सोचे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया है तो थोड़ा रिपीट कर देना, इस चीज़ को जरूरी है ना स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसका हम बड़ा रूप लेते हैं, इसका बड़ा रूप लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, खाली देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है, यही सब चीज जानिएगा ना, तब आगे का बात जो है आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स बराबर, इतना बड़ा बना रहे हैं सर, हाँ, अवयव लिखने के लिए पहला रो में A1 और J का स्थान छोड़ दे रहे हैं, A1 पहला रो है ये, तो I का मान एक लिए, ये कहाँ तक जाएगा सर, पहला रो में कहाँ तक जाएगा, आपको कहाँ तक जाएगा, I का मान 1 1 1 1 19 तक जाएगा, 19 से आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब A1 9 अभी अब जा सकता है पहला रो में। पहला रो में तुमसे कोई पूछेगा बाबू, ये सब तो बहुत डिटेल हो गया, इतना डिटेल में हमको नहीं बताना है, पहला रो का अवयव कहाँ से, मिनिमम एक अवयव, मैक्सिमम 9 अवयव होता है एक रो में, किसी भी एक रो में। अब देखिए A1 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 A1, दूसरा रो में A2 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 A2, तीसरा रो का अवयव, तीसरा रो A3 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 A3, सब सामने सामने एकदम लिखा जाएगा। चौथा रो का भी अब लिखना है A4 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 A4, पहला रो A1 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 A2 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 A3 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 A4 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 A4, अब पहला कॉलम, तो पहला कॉलम में तो 1 1 1 1, दूसरा कॉलम 2 2 2 2, तीसरा कॉलम 3 3 3 3, चौथा कॉलम 4 4 4 4। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये 11 पहला अवयव, तो 11 से शुरू होगा ना पहला रो बाबू, 11 12 13 14 19 तक जाएगा, दूसरा रो 21 से शुरू होता है, ना कि ये 15 से, समझ लीजिएगा 21 का मतलब समझते हैं, आई के मान 2 जे के मान 1, तो आई के मान 2 तो दूसरा रो का ही अवयव है और जे के मान 1 है तो पहला कॉलम का अवयव, ये 22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अवयव है, ये 23 24, ये 29 तक जाएगा, तीसरा रो 31 से स्टार्ट होगा, 31 से 32 से 33 से 34 से 39 तक जाएगा, चौथा रो 41 से शुरू होगा, 41 से 42 से 43 से 49 तक जाएगा, पांचवा रो भी हो सकता है लेकिन उतना 12th में नहीं पढ़ना है, 51 से शुरू होगा, छठा रो जो है 61 से शुरू होगा, इन उतना जानना नहीं है आप लोग को। तो पहला रो 11 से शुरू होता है से 19 तक जाता है, दूसरा 22 से लेके 29 तक, तीसरा 31 से लेके 39 तक, इतना काफी हो गया। अब हम आप लोग से पूछेंगे, तो तीन रो तीन कॉलम वाला, दो रो दो कॉलम वाला के जान जाना है बस, अब मैट्रिक्स के प्रकार जानना है, लेकिन उससे पहले एक और जान जाइए कि जैसे मान लो कि दो रो दो कॉलम वाला है बाबू, तो 11 ये 12 है 11 के बाद ये 12 होगा, क्यों, 11 मतलब का, अब 11 का मतलब वो आई के मान 1 और जे के मान 1, माने 11 वाला जो अवयव है पहला रो और पहला कॉलम में, ये 12 के मतलब आई के मान 1 जे के मान 2, पहला रो में और दूसरा कॉलम में है 12, 11 ये 12, ये 21 और ये 22,
दूसरा रो 21 से शुरू होगा, 21 ए 22, ये दो रो और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2×2, इसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2। चलिए ये सब चीज हो गया, हमको पढ़ना है आज मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के जोड़ घटाओ गुना। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स के प्रकार। तो मैट्रिक्स के अनेक प्रकार होता है, निम्नलिखित प्रकार होता है मैट्रिक्स के प्रकार, अभियुग के प्रकार, लेकिन जो आपको ज्यादा जरूरत है अभी तत्काल, वर्ग अभियुग की जरूरत है और आपको विकर्ण अभियुग की जरूरत है, अदिश अभियुग की जरूरत है और इकाई अभियुग की जरूरत है और शून्य अभियुग की जरूरत है, मैंने 5-6 गो अभियुग की आपको जरूरत एकदम जानना एकदम जरूरी है। उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बाबू वर्ग अभियुग, वर्ग अभियुग क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अभियुग। वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर ना, तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि चारों भुजा बराबर। अब मैट्रिक्स में कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में एक मिनट रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं बाबू, 1 रो 2 रो 3 रो। रो की संख्या कितने है इस मैट्रिक्स में, रो की संख्या 3 है इस मैट्रिक्स में। कॉलम की संख्या कितनी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। कॉलम की संख्या इसमें कितनी है बाबू, कॉलम की संख्या भी 3 है। तो जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस अभियुग में रो जितनी जितना रो की संख्या हो उतना ही यदि कॉलम की भी संख्या हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग अभियुग कहते हैं। इस मैट्रिक्स में देखिए स्टूडेंट्स, रो कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, और कॉलम कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या भी 3, कॉलम की भी संख्या 3, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि इसमें रो की संख्या को, क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, रो की संख्या को एम से सूचित करते हैं, कॉलम की संख्या को एन से। जब एम और एन बराबर होगा, मतलब जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा तो समझ लीजिए कि वर्ग अभियुग है। और एग्जाम्पल लेते हैं वर्ग अभियुग के। अब इसमें देखिए कितने रो हैं स्टूडेंट्स, 1 रो 2 रो। रो की संख्या 2 तो एम का मान 2, रो की संख्या एम का मान होता है ना, 1 रो 2 रो। रो की संख्या 2 तो एम का मान 2। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, कॉलम की संख्या 2 तो एन का मान 2, एम का भी मान 2, एन का भी मान 2, इसीलिए एम बराबर एन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि जब m बराबर n तो कौन मैट्रिक्स को व्यक्त कर रहा है, तो m बराबर n वर्ग अभियुग को व्यक्त करता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि m बराबर n कौन अभियुग को व्यक्त करता है। तो हम 5-6 गो अभियुग बताएंगे ना, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। वर्ग अभियुग क्या है, हम ऐसे ही अभी परिचय करवा रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे, ये सब डिटेल से भी नहीं पढ़ा रहे उतना, खाली बस थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट दे दे रहे हैं, क्योंकि हमको तो मेन अभी बोर्ड एग्जाम है। बाकी जगह बढ़िया से पढ़ना रहेगा तो फिर हम लोग जनवरी में या फरवरी, जनवरी में आप लोग के बीच में फिर आएंगे, तो पढ़िएगा जितना डिटेल से पढ़ना होगा पढ़िएगा। तो वर्ग अभियुग जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। देखिए इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो वर्ग अभियुग हो गया। क्योंकि रो की संख्या जितनी हो उतना ही यदि कॉलम की संख्या हो तो वह वर्ग अभियुग होता है। रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वह वर्ग अभियुग होता है। अब यहाँ 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो वर्ग अभियुग हो गया। वर्ग अभियुग को एम बराबर एन से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो रो की संख्या एम का मान होता है। यहाँ दूर इस मैट्रिक्स में बाबू रो कै गो है, 2 गो, तो रो की संख्या को एम से सूचित करते हैं, तो एम बराबर 2। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम, कॉलम की संख्या भी 2 गो, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, मतलब एम बराबर एन है। एम बराबर एन मतलब एम होता है रो की संख्या, कल ही ना बताए थे आप लोग को, एन होता है कॉलम की संख्या। तो रो और कॉलम की संख्या बराबर हो अर्थात एम बराबर एन हो तो वह एक वर्ग अभियुग होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम परिभाषा नहीं दे रहे हैं आपको, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा नहीं लिख रहे हैं,
कहिएगा तो लिख देंगे, लेकिन हम क्या लिखे परिभाषा अभी, अभी बस समझा देना ये सब चीज हमको ऑब्जेक्टिव ने मेन रूप से पढ़ाना है। लाइक करिए, मात्र 109 110 को लाइक जुड़े हुए हैं और लाइक मात्र बहुत कम ही स्टूडेंट्स किए हैं, लाइक करिए। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनको लाइक करना है लाइक करिए, जल्दी जल्दी सब लाइक बढ़ाइए, रोज रोज बोलना पड़ता है आप लोग को। तो वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। दुकुन बाबू, तीन गो रो है और तीन गो कॉलम है तो वर्ग आव्यूह हो गया। तीन गो रो है और तीन गो कॉलम है, सॉरी दो गो रो है, दो गो रो दो कॉलम है तो ये वर्ग आव्यूह है। दो रो दो कॉलम रहे या तीन रो तीन कॉलम रहे वर्ग आव्यूह होता है। चार रो चार कॉलम रहे, चार गो रो रहे चारों कॉलम तो भी वर्ग आव्यूह, लेकिन वो इंटर में नहीं पढ़ना है। तीन रो तीन कॉलम वाला और दो रो दो कॉलम वाला पढ़ना है। और रो की संख्या को एम से सूचित करते हैं, कॉलम की संख्या को एन से सूचित करते हैं। वर्ग आव्यूह क्लियर हो गया होगा, जो वर्ग आव्यूह की जरूरत है आपको, हमेशा जरूरत है रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह के प्रकार एक एक को थोड़ी बताएंगे, अब क्षैतिज आव्यूह ये सब नहीं, मेन मेन जो है से बता रहे हैं, जो जरूरत है आपको, जरूरत है आपको इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह की जरूरत है इसका। तो इकाई आव्यूह क्या होता है बाबू, ये भी एक वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह, थोड़ा लिख ही के समझावेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के, पहले विकर्ण आव्यूह बता देते हैं तब ये विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह के बाद बताएंगे इकाई आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह क्या है स्टूडेंट्स, वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या है, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिएगा, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, विकर्ण के अलावा सभी शून्य होना चाहिए, ऐसे 300 वर्ग आव्यूह लेकिन रहेगा, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, 050007 यह एक विकर्ण आव्यूह है, वर्ग आव्यूह भी है तो हम क्या बोले, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह कैसे है सर, देखिए एक रो दो रो तीन गो रो है और तीन गो कॉलम भी है, तो तीन गो रो भी है और तीन गो कॉलम भी है तो वर्ग आव्यूह तो है ही, विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य है। देख लीजिए, विकर्ण ही ना हुआ, विकर्ण आप देखते हैं ना तिरछा रहता है, कर्ण नियत रहता है विकर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे तिरछे रहता है इसने ना विकर्ण रहता है। विकर्ण के अलावा वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा माने जो विकर्ण के बाद और जो अभी अभी मैट्रिक्स में है वे सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए विकर्णमा को यदि घेर लिया जाए, घेर दिया जाए ऐसे, तो बाकी जितने भी अवयव रहेंगे वो सब नजर शून्य आएंगे। विकर्ण आव्यूह क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह क्या है, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। देखिए शून्य है शेष सभी अवयव,
विकर्ण के अलावा तो ये एक विकर्ण अवयव है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं इस अवयव को, ए बराबर विकर्ण, खाली विकर्ण लिख सकते हैं, और विकर्ण में 3 5 7 मान। इसी मैट्रिक्स को शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर विकर्ण लिख करके, और मैट्रिक्स में केवल विकर्ण वाला अवयव लिख दीजिए 3 5 7। और विकर्ण का जो अवयव है ना स्टूडेंट्स, वो ये भी मैं बता रहा हूँ कि भिन्न भिन्न भी हो सकता है, विकर्ण का अवयव जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक समान होगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक समान होगा। अलग अलग अवयव 3 5 7 है, 1 1 1 भी रह सकता है, 4 3 7 भी रह सकता है, 5 9 6 भी रह सकता है, माने अलग अलग भी रह सकता है, एक समान अवयव भी हो सकता है। विकर्ण अवयव का मतलब होता है विकर्ण से मतलब रखना चाहिए, और विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण पर कोई इसमें शर्त नहीं है कि विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए, विकर्ण का अवयव कुछ भी हो लेकिन विकर्ण के जो अलावा हो वो सब शून्य हो, तो वो विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है, इसको शॉर्टकट में देखिए कैसे लिखते हैं, अभी हुए बराबर विकर्ण, और विकर्ण वाला अवयव 3 5 7 देखे होंगे, कोई देखे होंगे किताब में ऐसे लिखा रहता है ए बराबर विकर्ण 3 5 7, मतलब जो वर्ग अवयव है ना स्टूडेंट्स, वर्ग अवयव का विकर्ण खाली दे देता है, वो भी एक अवयव विकर्णी अवयव है। दूसरा एग्जाम्पल 4 0 0 3, यह भी एक विकर्ण अवयव है। कैसे, तो इसमें देखिए यह एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव के तो आपको छोड़ेगा नहीं, मैट्रिक्स वर्ग अवयव को हम परिभाषा नहीं लिखवाए, ऐसे लिख लीजिएगा कि रो और कॉलम की संख्या समान हो, जिस अवयव में रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, क्योंकि वर्ग अवयव से आपको हर बत्ती में वर्ग अवयव बोलना पड़ जा रहा है। अब देखिए ना, विकर्ण अवयव भी एक वर्ग अवयव है, रो की संख्या 2 रहेगा, कॉलम की संख्या 2, विकर्ण अवयव ही हो सकता है वर्ग अवयव, मतलब सॉरी जो विकर्ण अवयव रहेगा स्टूडेंट वर्ग अवयव जरूर होगा, मैंने वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव होगा, लेकिन सभी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव नहीं हो सकता। वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो। देखिए इसमें विकर्ण 4 3 है और बाकी जो अवयव बच गया वो 0 है, तो एक विकर्ण अवयव है। तो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विकर्ण अवयव के, कि विकर्ण के अलावा, विकर्ण के, 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 विकर्ण के अलावा, अलावा माने जो उसके बाद और शेष अवयव शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब उसको विकर्ण अवयव हम लोग कहते हैं। विकर्ण अवयव आपका क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में जरूरत है, इसीलिए इस सब चीज पर डिस्कस करना पड़ रहा है। अब विकर्ण अवयव के बाद बताएंगे अधिश अवयव, विकर्ण अवयव के बाद अधिश अवयव, तब इकाई अवयव, तब शून्य अवयव। अवयव के प्रकार जानना जरूरी है, मैट्रिक्स के जोड़ घटाओ गुना ये सब तो छोटा चीज है, ये सब तो बहुत अच्छा से सीख लीजिएगा आप लोग, ये सब चीज जानना जरूरी है। इस पर समय यदि जा रहा है तो व्यर्थ नहीं हो रहा है, एकदम जरूरी चीज है। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कौन अवयव है, तो जान ही गया ना कि विकर्ण के अलावा सब शून्य है, तो यह विकर्ण अवयव है। और विकर्ण जो 3 5 7 है वो 3 3 3 भी रह सकता है, विकर्ण कुछ भी हो सकता है, 3 3 3 2 2 2 1 5 7 9 8 6 कुछ अपना मन से कुछ विकर्ण में रहना चाहिए, लेकिन विकर्ण के अलावा सभी अवयव, एको दुगो ना, सभी अवयव 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तभी वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो विकर्ण का अवयव आपका कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, मतलब कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकता है ना। मिटा देते हैं, विकर्ण अवयव के बाद अधिश अवयव,
ये सब आपको जानना है। मैट्रिक्स में ये सब चीज जान गए ना आप, तो आगे आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और वी आइए ना, शांत दिमाग से एकदम पढ़ना है। हम तो थोड़ा सा आज तेजी से पढ़ाने लगे, इतना तेजी से नहीं हमको पढ़ाना चाहिए था। आवयुह के प्रकार तीसरा अदिश आवयुह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैंने अदिश, मैट्रिक्स मैंने आवयुह। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो वैसा वर्ग आवयुह या वैसा विकर्ण आवयुह भी बोल सकते हैं। वैसा विकर्ण आवयुह जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान, वैसा विकर्ण आवयुह। अदिश आवयुह जो होता है ना, एक विकर्ण आवयुह होता है। अदिश आवयुह जो होता है बच्चे, वो विकर्ण आवयुह होता है। और वैसा विकर्ण आवयुह जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान तथा शेष अवयव, और जो शेष अवयव होगा शेष अवयव शून्य होगा। वो तो जब विकर्ण आवयुह कह ही रहे हैं कि अदिश आवयुह वैसा विकर्ण आवयुह जिसे विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान तथा शेष अवयव शून्य। देखिएगा 200020002, यह जो है अदिश आवयुह है। अदिश आवयुह क्यों है? क्योंकि विकर्ण आवयुह तो है ना, कि विकर्ण के अलावा सब शून्य है। विकर्णमा के प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार। विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान होगा तब अदिश आवयुह होगा। सर 1 2 3 रहेगा तो अदिश आवयुह ना होगा? नहीं, वो विकर्ण आवयुह होगा लेकिन अदिश आवयुह नहीं होगा। विकर्ण आवयुह कहता है कुछ हो रहे हम हो जाएंगे। विकर्ण आवयुह कहता है कि विकर्णमा में समान रहे चाहे भिन्न भिन्न अवयव रहे, विकर्ण के अवयव समान रहे चाहे भिन्न भिन्न अवयव रहे, वो विकर्ण आवयुह हो जाएगा लेकिन वो अदिश आवयुह नहीं होगा। अदिश आवयुह के लिए विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए स्टूडेंट्स। अदिश आवयुह के लिए विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, 300003003। अब देखिए यह एक विकर्ण आवयुह भी है कि विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य है, लेकिन अगर विकर्णमा के प्रत्येक अवयव है समान तो यह एक अदिश आवयुह होगा। लेकिन सर एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए तो जो अदिश आवयुह ना हो। देखिए एक वैसा भी एग्जाम्पल लेते हैं जो अदिश आवयुह नहीं रहेगा, 400005। यह जो है आपका अदिश आवयुह नहीं है, विकर्ण आवयुह है। विकर्ण आवयुह तो ये भी है, ये भी है। विकर्ण आवयुह तो अदिश आवयुह भी एक विकर्ण आवयुह होता है, अदिश आवयुह भी एक विकर्ण आवयुह होता है। विकर्ण आवयुह को विकर्ण से मतलब है खाली, समान अवयव है आपका कि असमान अवयव है उससे मतलब नहीं है। सर तो अदिश आवयुह तो विकर्ण आवयुह होगा? हाँ, प्रत्येक अदिश आवयुह विकर्ण आवयुह होगा। तो मैंने सीधा सीधी जान जाइए कि अदिश आवयुह में विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान रहे, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8, ईटा ईटा ईटा, पत्थर पत्थर पत्थर, भालू भालू भालू, बंदर बंदर बंदर। यदि भालू बंदर और पक्षी रहेगा ना तो वो नहीं होगा आपका अदिश आवयुह। अलग अलग नहीं होना चाहिए। अदिश आवयुह के लिए विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। अदिश आवयुह के लिए विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। अब वो कहा लगता है अदिश आवयुह हो जाएगा? कहा नहीं होगा। चार चार पांच है तो ये भिन्न भिन्न हो गया। चार चार चारे रहता था अदिश आवयुह हो जाता, लेकिन चार चार पांच है तो अदिश आवयुह नहीं होगा। विकर्ण आवयुह है, विकर्ण आवयुह तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, तो विकर्ण आवयुह तो होगा। लेकिन ये अदिश आवयुह है, ये अदिश आवयुह है, लेकिन ये अदिश आवयुह नहीं होगा। काहे? अदिश आवयुह ही चलते ही होगा कि विकर्णमा के प्रत्येक अवयव बाबू समान है। एक रो में विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान है तो अदिश आवयुह होगा,
लेकिन इसमें भी कर्म के प्रत्येक का अवयव समान नहीं है, इसलिए आदिसाव्यू नहीं होगा। माने आप सीधा सीधी जान जाइए कि आदिसाव्यू जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें विकर्ण के प्रत्येक का अवयव क्या होता है, समान होता है। आदिसाव्यू में, आदिसाव्यू में विकर्ण के प्रत्येक का अवयव समान होता है। अब विकर्ण आव्यू में है कि समान भी रह सकता है, समान न भी रह सकता, उसको विकर्ण से खाली मतलब है, उसको यह मतलब नहीं है कि विकर्ण का अवयव क्या है, समान है कि असमान है, उससे मतलब नहीं है। आदिसाव्यू के बाद चौथा आव्यू के प्रकार तीन को बताएं, चौथा इकाई आव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इकाई आव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई आव्यू नहीं जानिएगा ना बहुत दिक्कत होगा। इकाई आव्यू सबको पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं। तो इकाई आव्यू यह भी एक वैसा वर्ग आव्यू इकाई आव्यू भी वर्ग आव्यू होता है सर। वर्ग आव्यू हमने क्या लगता है कि नहीं छोड़ेगा ना, वैसा वर्ग आव्यू जिसमें विकर्ण के प्रत्येक का अवयव, वैसा वर्ग आव्यू जिसमें विकर्ण के प्रत्येक का अवयव एक हो, केवल एक, विकर्ण का प्रत्येक का अवयव केवल एक हो या इकाई हो, इकाई मैंने भी एक होता है, वैसा वर्ग आव्यू जिससे विकर्ण के प्रत्येक का अवयव एक हो उसे इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू भी बोलते हैं। इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू कहते हैं। वैसा वर्ग आव्यू जिससे विकर्ण के प्रत्येक का अवयव एक उसे इकाई आव्यू कहते हैं। जैसे और उसको कैपिटल ए से सूचित नहीं करते हैं, काहे कि इसीलिए सूचित न कर सकते हैं कि इकाई आव्यू का दूसरा जो नाम है तत्समक आव्यू है। इकाई आव्यू का दूसरा नाम है तत्समक आव्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वाई से स्टार्ट होता है, इसीलिए उस मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया, आई से सूचित किया जाता है। जो इकाई आव्यू होता है, इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू दोनों नाम अलग अलग है पर दोनों एक ही चीज है। इकाई आव्यू और तत्समक आव्यू दोनों सेम है। तो वैसा वर्ग आव्यू जिसमें विकर्ण के प्रत्येक का अवयव एक हो, और यह भी लिख लीजिए विकर्ण का प्रत्येक का अवयव एक हो तथा अन्य शेष जो अवयव है उसका अन्य शेष अवयव शून्य हो। विकर्ण वैसा वर्ग आव्यू जिसमें विकर्ण के प्रत्येक का अवयव एक तथा अन्य शेष अवयव शून्य हो उसे इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू कहते हैं। ये जानना सबको जरूरी है, हर स्टूडेंट्स को ये जानना जरूरी है इकाई आव्यू। देखिए मैं बता रहा हूं वैसा वर्ग आव्यू सर, विकर्ण आव्यू भी वर्ग आव्यू होता है, अदिश आव्यू भी वर्ग आव्यू होता है, इकाई आव्यू भी वर्ग आव्यू होता है, सब वर्ग आव्यू बता रहे हैं, सब वर्ग आव्यू से रिलेटेड है। एक और है, एकमात्र और पढ़ना है बस। ऐसे तो और प्रकार है लेकिन हम लोग को जो काम का चीज है ना वो इतना ही है, इतना ही काम का चीज है, इसीलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। वैसा वर्ग आव्यू जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक तथा अन्य शेष अवयव शून्य हो उसे इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू कहते हैं। और इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू को आई से सूचित करते हैं या आई टू से या आई थ्री से। इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू को आई या आई टू या आई थ्री से सूचित करते हैं। इकाई आव्यू या तत्समक आव्यू को आई या आई टू या आई थ्री सूचित करते हैं। ये आई आई टू आई थ्री तीनों में फर्क है, आई आई टू आई थ्री तीनों को समझना होगा। पहले ही जाने कि इकाई आव्यू रहता कैसे, सूचित तो उसको आई से करेंगे, ये तो क्लियर बात है। देखिएगा आप लोग,
100 0001 0001। हम वैसा वर्गाव्यूह है, कैसे, तीन गो रो है और तीन गो कॉलम है, तो वर्गाव्यूह है ना बाबू, वैसा वर्गाव्यूह जिसमें विकर्ण के प्रत्येक का भी अब एक, विकर्ण का प्रत्येक का भी अब दो दो ना, इकाई का मतलब ही एक होता है, विकर्ण का प्रत्येक का भी अब एक एक और अन्य शेष अवयव जीरो हो, यही इकाई अवयव है, ये तीन रो और तीन कॉलम वाला इकाई अवयव है, इसको हम आई से भी सूचित कर सकते हैं, या दो रो दो कॉलम वाला जो, हाँ आई से या आई थ्री से, तीन रो तीन कॉलम वाला जो होता है आपका इकाई अवयव, उसको आई से भी सूचित कर सकते हैं या आई थ्री से भी सूचित कर सकते हैं, क्योंकि तीन रो और तीन कॉलम वाला इकाई अवयव है। सर इसको इकाई अवयव हम कैसे कहें, कैसे कहिएगा, क्योंकि विकर्णमा एक एक है ना, विकर्ण के प्रत्येक का अवयव एक एक और शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो इकाई अवयव किसे कहते हैं, जब विकर्ण का प्रत्येक का अवयव एक एक हो और अन्य सभी अवयव विकर्ण के अलावा जो और अन्य अवयव हैं वो सब जीरो हो, तो ये इकाई अवयव कहलाता है। तो तीन रो तीन कॉलम वाला जो इकाई अवयव होता है उसको आई थ्री से भी सूचित कर सकते हैं या आई से भी, अन्य दूसरा अक्षर से नहीं, ए बी सी डी ए से नहीं, बी से न, सी से न, डी से न, इकाई अवयव जो होता है जिसका विकर्ण एक एक होता है उसको आई थ्री से सूचित कर सकते हैं, तीन रो तीन कॉलम वाला है तब, या आई से भी कर सकते हैं, या आई थ्री बराबर भी सूचित कर सकते हैं, आई बराबर भी, लेकिन मैं आप बताता हूं दो रो दो कॉलम वाला के, दो रो दो कॉलम वाला भी जो मैट्रिक्स होता है, मन जो इकाई अवयव होता है उसको आई से भी सूचित कर सकते हैं, आई टू से भी कर सकते हैं, देखिएगा दो रो दो कॉलम वाला 1 0 0 1, विकर्ण एक एक है, विकर्ण है ना एक एक और बाकी अवयव जीरो है, वर्ग अवयव है, दो गो रो है इसमें और दो गो कॉलम है, यह एक वर्ग अवयव है, विकर्ण आपका एक एक है और विकर्ण के अलावा देखा जाए तो सभी अवयव शून्य है, तो दो रो दो कॉलम वाला ना इकाई अवयव है, तो इसको आई से भी सूचित कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूं, तीन रो तीन कॉलम वाला इकाई अवयव हो चाहे दो रो दो कॉलम वाला इकाई अवयव हो, इसको आई से भी सूचित कर सकते हैं, तीन रो तीन कॉलम वाला के भी, दो रो दो कॉलम वाला के भी आई से सूचित कर सकते हैं, तीन रो तीन कॉलम वाला के भी आई से सूचित कर सकते हैं, दो रो दो कॉलम वाला के भी आई से सूचित कर सकते हैं, लेकिन तीन रो तीन कॉलम वाला जो इकाई अवयव है इसको आई थ्री से भी कर सकते हैं लेकिन आई टू से कभी नहीं, और दो रो दो कॉलम वाला जो वर्ग अवयव है उसको हम सूचित कर सकते हैं आई टू से भी और आई से भी। तो बस आज तो टाइम समाप्त हो गया, आज मजा उतना नहीं लगा होगा आप लोगों को पढ़ने में, आज उतना पढ़ने में आप लोगों को मजा नहीं लगा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा हमको लेट हो गया था। चलिए आज का क्लास समाप्त, धन्यवाद।